सो गाइज, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं पवन सिंह के नए सॉन्ग पर, जिसका टाइटल है तुम्हारे सिवा। वो तो नहीं है, हो सकता है उसका भोजपुरी वर्जन, भोजपुरी वर्जन टी सीरीज के चैनल पर आया है वैसे ये, तो देख लेते हैं पहले, हो सकता है वही हो। तो वाइफ कट टी सीरीज का प्रोडक्शन क्वालिटी अलग ही दिख रहा है। अरे 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 अरे, नीम की मेडिसिन के ओवरडोज के कारण आपकी वाइफ पैरालाइज्ड हो गई। अब भागे, जब से वो फोन लगाए तो उठा नहीं रहा था। तो वो बताएंगे क्या रीजन था उसका भी। या तो यही तो गाना है, तुम्हारे सिवा इनको बड़ा बिजनेसमैन बताया है। फैज अनवर और पैरालाइज्ड बस तह से ही सनिहिया लागी है। एकदम अलग शुरुआत हुई है। गाया किसने, वो प्यारी लग रही ना आवाज। प्रीत की जागी है बस तह से ही सनिहिया लागी है। तेरी बाहों में अब जीना मुझे, तेरे चेहरे पे मरेंगे। वही सॉन्ग है। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। क्या बात है, पवन सिंह की आवाज में इस गाने को सुनना अलग ही लेवल, अलग ही फीलिंग है भाई, मस्त लग रहा है। अगर इनसे ओरिजिनल भी गवा देते तो मजा ही आ जाता। खैर ये भी ओरिजिनल ही होगी अब तो। रिलेटेबल था ये। नर्स भी कितना मुंह लटका के चल रही है। ओ भाई, जब कनखिया से तू देखे पागल हम के कर दे ना चलाए बरछी। ओ भाई, फिर भी घायल कर दे। वो ठीक होगी लगता है। ओ भाई, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करें। ओ,
क्या बात है, मतलब एक साल तक बंदे ने इतनी मेहनत करी। हार मानते हो, खुद भी सोच रहा था मैं भी पहले जा हार मानने वाला था, वो वही वो आ गई वापस। क्या बात है, काफी जबरदस्त सॉन्ग था। और इस फीलिंग थी सॉन्ग के अंदर, देर मत करो, जब तक आपके पास कुछ होता है, कोई होता है या कोई चीज ही ले लो, वो होती है जब तक उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब वो हाथ से जाने लगती है, चली जाती है, तब पता चलता है कि भाई क्या वैल्यू थी उसकी। बिल्कुल, बहुत कमाल गाया। और खुशबू जैन ने जो स्टार्टिंग किया ना इसका, सिंगिंग की बात कर रहा हूँ मैं, क्या ही कमाल गाया है। और स्वाति चौहान की एक्टिंग भी यार मानना पड़ा गया, वो उनकी पलक भी नहीं झपक रही थी, मैंने जो वीडियो में देखा। हाँ। जो पैरालाइज का वो एक्टिंग कर रहे थे ना, बहुत जबरदस्त एक्टिंग करी, उनके चेहरे को देख के लग रहा था कि हाँ भाई है, बिल्कुल है, बिल्कुल यार। दमदार वीडियो, दमदार म्यूजिक, दमदार वीडियोग्राफी, कोरियोग्राफी, बहुत लंबा हिट जाएगा, मतलब बहुत चलेगा भाई, मुझे तो यही लगता है। मेन चीज इसकी जो स्टोरी बनाई है ना, मुझे वो दिल को छू गई यार, बिल्कुल यार। जो सॉन्ग के लिरिक्स के साथ में जो स्टोरी की फीलिंग को मैच किया गया, इट इज अमेजिंग यार। क्या मतलब आखिरी में वो हिम्मत हार के जब मरने ही वाले, मतलब कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे थे कि मैं भी कुछ गलत कर ही लेता हूँ, तभी वो एक नर्स आती है, भैया बोलती है कि वो तो ठीक हो गई है, आप आओ। और नर्स भी एक्टिंग कर रही रोने की, हाँ ठीक हो गई। दैट इज अमेजिंग यार। तो पवन सिंह गर्दा मचा दिया यार, लकीर तो है यार भाई बंदे की, ये बात एक नेक्स्ट लेवल का इंसान है यार पवन सिंह। और टी सीरीज में गाना आया उनका, ऑफिस से कम बैक हुआ, इतने दिनों बाद गाना आया, मानना पड़ेगा। वैसे हम लोग रमज़ान में गानों पर रिएक्शन देना बंद कर दिया था, लेकिन हमको हमारे एक फैन ने बोला कि भैया ये सॉन्ग ससुरा बिल्कुल 1% भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, वल्गर, 1% भी नहीं है, आप बिल्कुल दे सकते हो। तो अच्छा हुआ हमने सही गाने पर रिएक्शन दिया, बिल्कुल, तो बिल्कुल भी वल्गर नहीं था और बहुत बेहतरीन था, बल्कि बहुत गजब का था, बल्कि ये जिंदगी में एक सबक सिखाने वाला गाना था, बहुत जबरदस्त था। जब तक आपके पास कोई चीज़ है उसकी कदर कर लो, अदरवाइज वो चीज़ चले जाए या जाने लगे तब उसकी कदर करोगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी या देर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबक के साथ इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा हमारा रिएक्शन और हमारी बातें, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट